हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल वर्ल्ड टॉक्स। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं नोकिया 8, नोकिया 6, नोकिया 5 और साथ ही नोकिया 3 के बारे में। तो आप इन सब के बारे में और जानने के लिए इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो टेक्निकल वर्ल्ड टॉक्स। तो चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम नोकिया 8 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि नोकिया 8 बिल्कुल लेटेस्ट पीस है। और नोकिया 8 के अंदर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 835, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर है। आपको इससे बेहतर प्रोसेसर किसी भी फ़ोन में नहीं मिलेगा। पहली बार लॉन्च होने जा रहा है 835 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, और साथ ही आपको मिलेगी 4GB रैम, जो इस फोन को बनाएगी और ज़्यादा स्मूथ। और इतना ही नहीं, इसके साथ आपको मिलेगी 64GB और 128GB की इंटरनल मेमोरी। और अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आप इसको बढ़ा सकते हो 256GB तक। और साथ ही इसकी बैटरी आपको मिलेगी 3090mAh की। और प्लस इसमें आपको मिलता है सिंगल सिम और डुअल सिम के दो वेरिएंट, आपको जो मर्जी आप वो चूज़ कर सकते हो। आपको सिंगल सिम लगता है अच्छा तो आप सिंगल सिम ले सकते हो, वरना इसमें डुअल सिम का भी ऑप्शन आता है। और इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है, अगर एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो आपको इसमें मिलता है 7.1.1 नोगट, जो कि नोकिया के ऑफिशियल अनाउंस के मुताबिक अक्टूबर लास्ट तक आपको सभी नोकिया फोन में मिलेगा ओरियो का अपडेट। तो आप अक्टूबर के अंत तक, जब तक लॉन्च होता है ओरियो सभी नोकिया फोन में, तो आप अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हो नोगट से 8.0 ओरियो में। और अगर बात करें इसकी स्क्रीन की, तो आपको मिलती है और आप इसमें 5.3 इंच की QHD सुपर एमोलेड 2K का मज़ा उठा सकते हो। और इसके कैमरा की अगर बात की जाए तो 13 और 13 मेगापिक्सल के हैं, फ्रंट और रियर दोनों ही 13 के हैं, जो इसके फोटोज़ के एक्सपीरियंस को बना देंगे और भी ज़रा मज़ेदार। और साथ ही आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आपको मिलेगा इसमें टाइप सी पोर्ट, जो कि इसको 3.1 पर चार्ज करेगा। तो दोस्तों अब बात रही इसकी प्राइस की, अगर मैं आपको इसकी प्राइस बताता हूँ तो इसकी प्राइस है 36,990 रुपीज़। और जहाँ तक मुझे लगता है इतने अच्छे फ़ोन के लिए ये प्राइस एकदम ठीक रहेगी। तो ये तो बात रही नोकिया 8 की। चलिए अब हम चलते हैं नोकिया 6 की तरफ। अगर मैं नोकिया 6 के फीचर्स की बात करूँ तो आपको उसमें मिलती है 5.5 इंच की स्क्रीन। अगर बात की जाए इसके प्रोसेसर की, तो आपको मिलता है 1.4 GHz का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर। और हाँ दोस्तों, इसमें 3GB की रैम के साथ आपको 32GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। और हाँ, इसमें आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में डॉल्बी साउंड मिलेगी, तो आप उठा सकते हो एक बेहतर साउंड एक्सपीरियंस का मज़ा। और दोस्तों मुझे लगता है इसका कैमरा सुनकर आप हो जाओगे हैरान, क्योंकि आपको इसमें मिलता है f2.0 का अपर्चर, जिसमें आपको रियर में तो मिलता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा। और प्लस इसमें फ्रंट में अगर बात की जाए तो आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, जो आपके सेल्फी एक्सपीरियंस को बढ़ा देगा और भी ज़्यादा मज़ेदार। और साथ ही आपको मिलती है इसमें बैटरी 3000mAh, और साथ ही आपको मिलता है इसमें 7.0 का नोगट का वर्जन एंड्रॉयड का, जो कि ऑफकोर्स जैसा कि मैंने कहा था कि अक्टूबर की लास्ट तक आपको ओरियो में इसकी न्यू रोम मिल जाएगी। और सेफ्टी के लिए इसमें आपको दिया जा रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि आपको मिलेगा स्क्रीन के होम बटन पर। और दोस्तों अब आप जानने के लिए बेताब होंगे कि इसकी प्राइस क्या है। तो अगर मैं इसकी प्राइस आपको बताऊं तो वो है 15,000 रुपये, जो कि मुझे लगता है इस फ़ोन के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि 15,000 में आपको 5.5 इंच की स्क्रीन मिल रही है, वो भी 2.5D गोरिल्ला ग्लास से लेस। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये फ़ोन इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। वेल, मुझे तो नोकिया 8 से ज़्यादा नोकिया 6 काफ़ी अच्छा लगा है। तो खैर, ये तो बात थी नोकिया 8 और नोकिया 6 की। चलिए हम चलते हैं नोकिया 5 की तरफ। नोकिया 5 के फीचर को बताते हुए मैं शुरुआत करता हूँ उसकी स्क्रीन से, जो कि आपको मिलेगी 5.2 गोरिल्ला ग्लास के साथ। और इसकी रैम आपको मिलती है 2GB रैम के साथ 16GB की इंटरनल मेमोरी। और इसकी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए इसमें दिया जाता है आपको 430 स्नैपड्रैगन कोलकॉम प्रोसेसर।
दोस्तों इसकी भी बैटरी नोकिया 6 की तरह है 8000mAh और साथ ही आपको मिलते हैं दो बेहतर कैमरा। रियर कैमरा आपको मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो वो भी सेम है जो कि है 8 मेगापिक्सल। और दोस्तों अब इसकी प्राइस की बात आती है, इसकी प्राइस आपको मिल जाएगी तो दोस्तों आपको इसकी प्राइस मिल जाएगी 12,490। पहले मैं समझ सकता हूँ कि ये प्राइस काफ़ी बस ठीक ही है, लेकिन नोकिया 6 के मुकाबले इसकी प्राइस कुछ खास नहीं है। और दोस्तों अब लास्ट में बात आती है नोकिया 3 की। दोस्तों नोकिया 3 आपको मिलेगा 5 इंच की स्क्रीन की गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ और इसमें आपको मिलती है नोवा 7.0। तो दोस्तों इसका प्रोसेसर आपको मिल जाएगा 1.3 GHz क्वाड कोर, लेकिन बस इसमें एक ही बेकार बात है कि आपके उसमें स्नैपड्रैगन नहीं बल्कि मीडियाटेक का 6737 प्रोसेसर मिलता है जो कि बस ठीक ठाक ही है, वरना प्रोसेसर तो केवल स्नैपड्रैगन का ही अच्छा होता है। और इसमें आपको 2GB RAM के साथ 16GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है। और कैमरा की अगर बात की जाए और दोस्तों अगर कैमरा की बात की जाए तो कैमरा आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल दोनों ही तरफ, लेकिन फ्रंट में आपको मिलती है एक अच्छी सेल्फी के लिए डिस्प्ले फ्लैश और साथ में आपको बैटरी मिलेगी इसकी 2630 जो कि मुझे लगता है ठीक है क्योंकि इसकी प्राइस आपको मिलती है 8559। और अगर आपको ये प्राइस भी ज़्यादा लगती है तो आप खरीद सकते हो नोकिया 3310, जिसकी खास बात यह है कि इसके नाम की तरह इसकी प्राइस भी 3310 है यानी 3310। लेकिन ये कोई टच फ़ोन नहीं है, लेकिन यह है एक कीपैड वाला फ़ोन। वेल आप अपने बजट के हिसाब से जो चाहे वो फ़ोन खरीद सकते हो। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा फ़ोन लेने वाले हो। जहाँ तक मेरी बात है दोस्तों, तो दोस्तों मैं तो लेने वाला हूँ नोकिया 6, क्योंकि नोकिया 6 जहाँ तक मुझे लगता है वो अपनी प्राइस पर काफ़ी अच्छा फ़ोन है। पहले आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा फ़ोन लेने वाले हो और अगर आपको कुछ और जानना हो इन फोन्स के बारे में तो मुझे बताइएगा। और हाँ दोस्तों सबसे लास्ट बात की नोकिया 8 फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और अगर आपको नोकिया 6, नोकिया 3 और नोकिया 5 खरीदना है तो आप दे सकते हो डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है कुछ ही जहाँ से आप इन फोन को खरीद सकते हो। और आपको कुछ और जानना हो तो मुझे बताइएगा, इस रिव्यू में कुछ कमी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि आपको पता है कि आपको क्या करना है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।